मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। वहीं परीक्षार्थियों को एक घंटे पहले बुलाकर थर्मल मशीन से स्क्रीनिंग कराई गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। महू के परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को सैनिटाइज कर कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। देखिए यहाँ पर आज शासकीय उमा भी महू सेंटर क्रमांक 5327 यहाँ पर आज केमिस्ट्री का पेपर है मॉर्निंग की शिफ्ट में, जिसमें हमारे पास 109 बच्चे दर्ज हैं और 9 बच्चे हमको बाहर जिले से जिनका आवेदन ऑनलाइन मिला है वो आए हैं, तो टोटल 118 बच्चे हैं। गेट पर ही देखिए हमने गेट पर ही थर्मल गन रखी हुई है, तो एवरी स्टूडेंट को हम पहले टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, अगर नॉर्मल है तब हम उसको अंदर आने दे रहे हैं। अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं आया है। देवास में 12वीं के बचे हुए पेपर की परीक्षा शुरू हुई। लॉकडाउन के बाद प्रथम प्रश्न पत्र रसायन व भूगोल का होना है, जिसके चलते परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में परीक्षा होंगी। मंगलवार को परीक्षार्थी सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे, जहां उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सर तैयारी तो अच्छी है, बट फिर भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि इतने दिनों बाद फिर से पेपर देने आए हैं, और ये भी डर है कि कोरोना चल रहा है। कहना चाहोगे कोरोना के बाद में आज एकदम दिन अच्छा लग रहा है? बहुत दिनों बाद, 2 महीने बाद घर से बाहर निकले और बस पेपर हो जाए अच्छे से। ये परीक्षा केंद्र पे और क्या सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बाहर स्वास्थ्य कर्मी द्वारा थर्मल स्कैनिंग से उनका शारीरिक तापमान को मापा जा रहा है, अंदर ही सैनिटाइजर द्वारा उनका हैंड सैनिटाइजर यूज किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। कक्ष की व्यवस्था में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है कि हर परीक्षार्थी के मध्य में 1 मीटर की दूरी बनी रहे। इसके अलावा सर और क्या व्यवस्था है बच्चों को डिस्टेंस के मास्क के लिए? क्या उनको यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत उनको निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अपने 140 बच्चे तो स्थानीय रजिस्टर्ड हैं, जबकि अन्य जिलों से उनको अनुमति दी गई है। 16 बच्चे भी यहाँ पर परीक्षार्थी हैं। सर आज किस विषय की एग्जाम हो रही है? आज हायर सेकेंडरी स्कूल के रसायन का पेपर है। अंजड़ में छात्रों को अपने साथ सैनिटाइजर ले जाने की अनुमति दी गई। शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर कुल 59 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। केंद्राध्यक्ष शैलेंद्र जोशी ने बताया कि ये पहली बार है जब परीक्षा में मेडिकल की टीम भी ड्यूटी कर रही है। ये थर्मल स्कैन किया गया है और SPO2 ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिया गया था और सभी नॉर्मल है। उज्जैन के शासकीय दौलतगंज हायर सेकेंडरी स्कूल कंटेनमेंट एरिया में आने के कारण शासकीय माधव कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। माधव कॉलेज में कोरोना वायरस बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां आने वाले परीक्षार्थी के हाथ सैनिटाइजर से धुलाए जा रहे हैं, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग कर परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग से बिठाया गया। कोरोना महामारी के चलते मार्च में परीक्षा स्थगित हो गई थी। बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा का पुनः प्रारंभ किया गया है। पहले ये केंद्र दौलतगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, क्योंकि वो कंटेनमेंट एरिया है इसलिए केंद्र को परिवर्तित किया गया है और वो केंद्र नज़दीक पड़ता है माधव कॉलेज के, इसलिए बच्चे ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं, इसलिए माधव कॉलेज को केंद्र के रूप में चुना गया है। आज यहाँ 74 बच्चे परीक्षा देने आएंगे और स्वाध्यायी परीक्षार्थी हैं, कई दूसरे गाँवों से भी आ रहे हैं। और विद्यालय में हमने इस परिसर में 6-6 फीट का दायरा जो कि निर्देश थे उसके अनुसार गोले बनाए, उसी अनुसार बच्चों की स्कैनिंग भी हो रही है, हम स्प्रे भी कर रहे हैं, उनका सैनिटाइज भी कर रहे हैं। कमरों में 6-6 फीट पर टेबल लगाई है, दूर दूर बच्चों को बिठा रहे हैं। कोई बच्चा अगर बीमार आता है तो उसके लिए हमने आइसोलेशन कक्ष भी बना रखा है।